तो यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है। और ये जो सामने है यह है टिकट काउंटर। तो गाइस टिकट का अमाउंट है 25 रुपीज़। ये अपना व्लॉग शूट करनी है। और एक मूवी है ना जिसमें शायद मैंने तो देखी नहीं है, मीर खान के तीन दोस्त रहते हैं वो उधर खड़े होते हैं सामने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आपका मेरे एक नए व्लॉग में। और आज है मेरा डे 4 गोवा में। और अभी हम होटल की बालकनी में खड़े हैं। ये पीछे बालकनी के पीछे बैक साइड है और ये रहा मेरा रूम पीछे। सुबह सुबह थोड़ी लेट आँख खुली क्योंकि रात लेट सोए थे। अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और आज चलेंगे अगोड़ा फोर्ट। अभी टाइम हुआ है 9:30 सुबह के। ब्रेकफास्ट करने के बाद में चलते हैं अगोड़ा फोर्ट जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। एक छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। तो चलते हैं अगोड़ा जेल और अगोड़ा फोर्ट। आओ लॉक करेंगे, गाड़ी खड़ी है हमारी बाहर। चलते हैं, दिखाते हैं आपको आज अगोड़ा फोर्ट। दिन है आज हमारा 4th डे है गोवा में। और आज जाएंगे हम अगोड़ा फोर्ट, अगोड़ा जेल, उधर की साइड रहेंगे अगोड़ा साइड। धूप बहुत है आज। तो कल हमने फ्यूल डलाया था गाड़ी में अपनी 10 लीटर जो कि ख़त्म हो चुका है। तो अभी यहाँ फ्यूल स्टेशन काफ़ी दूर है तो देखते हैं, तो बोतल लेते हैं फ्यूल की, इधर फ्यूल भी मिलता है या चलते हैं स्टेशन। भैया इधर पेट्रोल पंप कहाँ पड़ेगा? यहाँ से बाहर निकल के लेफ्ट लेना है, आगे मिडिल चर्च आएगा, वहाँ से राइट लोगे पेट्रोल पंप। इधर नहीं है ये अगोड़ा फोर्ट साइड में नहीं पड़ेगा? बाहर जाके लेफ्ट लेना है, आगे जाके राइट लेना है। अच्छा अच्छा ठीक है ओके। तो हम पहुंच चुके हैं फ्यूल स्टेशन और यहाँ पेट्रोल पंप बहुत दूर दूर हैं, इस करके जो है एक ही पेट्रोल पंप में बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो अभी हम जा रहे हैं अगोड़ा फोर्ट पर, उससे पहले हम करेंगे लंच क्योंकि टाइम हो रखा है, 1 बज रहे हैं और हमें भूख भी लगी है। तो यहीं बाहर एक रेस्टोरेंट है मेरा भाई पंजाबी रेस्टोरेंट, उसी पर रुकते हैं। उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है, पहले भी खाया हुआ उस पर खाना। तो कर लिया हमने पेट पूजा, उसके बाद करेंगे काम दूजा। तो अभी चलते हैं हम गोवा का किला अगोड़ा फोर्ट। कोकुम करी येरा कार येरा, हाँ येरा 68 वर्षी का। लेफ्ट साइड पे समुद्र है और अब हम जा रहे हैं अगोड़ा फोर्ट। कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम लोग ये पूरा जंगल से रास्ता जाता है फोर्ट के लिए। तो हम अभी पार्किंग के पास पहुंच चुके हैं। ये पार्किंग है और सामने पार्किंग अमाउंट लिखा हुआ है, 4 व्हीलर 100 रुपये, 2 व्हीलर 50 रुपये और टैक्सी है 30 रुपीज़ है और टाइमिंग है 4 घंटे। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं फोर्ट और ये पार्किंग है इधर। हमने अपनी गाड़ी लगा दी है वहाँ सामने, वो लगी। और ये पीछे फोर्ट है मेरे इधर सामने। अभी मैंने ये हेड और ये निक्कू ने चश्मे लिए हैं, सन ग्लासेस, क्योंकि इधर धूप बहुत ज़्यादा है और टेम्परेचर आज का 34। अब पहुंच चुके हैं अगोड़ा फोर्ट और ये जो सामने है यह है टिकट काउंटर। ये सामने टिकट काउंटर है, इससे लेते हैं हम टिकट। तो हम
हमने टिकट ले लिए, आओ। तो गाइस टिकट का अमाउंट है 25 रुपीज़ पर पर्सन। ये अपना व्लॉग शूट करनी है। क्राउड काफ़ी अच्छा खासा है, लास्ट टाइम आए थे तब नहीं था इतना। ये है इसका एंट्री पॉइंट और इधर से रास्ता आता है बाहर से, रास्ते पर सीधे सीधे है, इसमें कुछ नहीं, दीवारें दीवारें हैं बस, व्यू अच्छे हैं। मिलेगा इसमें कुछ नहीं अंदर। ये एंट्री उधर पीछे से एंट्री पॉइंट है, और इधर से लेते हैं हम एंट्री और चलते हैं फिर अंदर। सस्ती सी एंट्री दी इन्होंने, इसमें है कुछ नहीं, पर यहाँ ठंडक है थोड़ी सी। इधर फोटो लगे होंगे, ये लगे क्योंकि हम पहले भी इधर आ चुके हैं, अब सिर्फ व्लॉग शूट करने आए। और यहाँ से हम अंदर घुसते हुए, इसमें मिलेगा कुछ नहीं, ये दीवार 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 है बस। ये लाइट हाउस है, वाइट वाइट सा, इसके फोटो शूट कराते हैं लोग इधर खड़े होके। इधर सामने कराना हो किसी को शूट तो इधर करा सकता है, अच्छा व्यू आता है काफ़ी। और एक मूवी है ना जिसमें शायद मैंने तो देखी नहीं है, आमिर खान के तीन दोस्त रहते हैं, वो उधर खड़े होते हैं सामने। ये पूरा खाली है, इसमें कुछ नहीं है, वॉल है बस चारों तरफ, वॉल 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 वॉल, और नहीं इसमें कुछ भी। ये पीछे लाइट हाउस है, पुल के उस साइड दिखा रहा हूँ अभी क्या है, यहाँ से व्यू है। तो यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है, पीछे समुद्र है हमारे, और ये इस साइड फोर्ट है, और ये पीछे लाइट हाउस है वाइट, काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा आपने। व्यू काफ़ी अच्छा है इधर से, पर धूप बहुत ज़्यादा है। तो जब ये आपने देखा, उधर तो इतना कुछ खास है नहीं, अब इसमें दिखाते हैं आपको ऊपर ले जाके, इसमें रास्ता ऊपर भी जाता है फोर्ट के, जो फ्रंट पॉइंट को ऊपर रहेगा। इधर ही ठंडा के, इधर आओ, इधर सीधा रास्ता है, सीधी चढ़ाई। आओ तो ये व्यू है सामने से, फोटोज खिंचा रहे हैं लोग। और इधर से हमारी एंट्री हुई थी नीचे, और ये सामने से आने वाला रास्ता था। ये पीछे वही लाइट हाउस है, उसके ऊपरी साइड पर आ गए हम। हवा बहुत तेज चल रही है,
अभी हम बैठे हैं पार्क में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, ब्रेक लिया है हमने। और ये पीछे फोर्ट है, ये उसका पार्क है। और अभी हम जाएंगे अगोड़ा जेल, जेल है वो दूसरी साइड है, तो उस टाइम निकालते हैं पार्किंग से गाड़ी और चलते हैं अगोड़ा जेल की साइड। तो आ गए हम वापसी पार्किंग, इधर सामने फोर्ट की एंट्री, और इधर ही हमने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, कहाँ गई वो रही आ गए। ये थार के साइड में 9575 बलिनो। हम निकल चुके हैं यहाँ से, एंट्री हुई थी पहले हमारी पार्किंग के लिए। अब हम जा रहे हैं आगे से, एक टी पॉइंट था वहाँ से राइट जाएंगे अगोड़ा जेल के लिए। रास्ते काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे हैं, हिल एरिया पड़ता है क्योंकि, इसलिए इधर तो काफ़ी छाए हैं सर रास्ते पे। गाइस धूप बहुत ज़्यादा है और हमारा भी प्लान था अगोड़ा जेल जाने का, जो कि हम अब कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि दूर भी है वहाँ से और धूप भी बहुत ज़्यादा है। वो भी ओपन एरिया है, उसमें म्यूज़ियम है और जेल है, तो इसलिए हम जा रहे हैं वापसी। हम ढूंढने जा रहे हैं डब्लू, वो था ना एक मूवी थी धमाल, धमाल मूवी में डब्लू होता है ना, वो रियल में एक डब्लू इधर है, स्टील का बना हुआ है उसी पार्क के पास में, तो उसको जाके देखते हैं। कोकन करी एक रेस्टोरेंट था जो मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया आपको, वो अरशद वारसी जो उस मूवी में है वो उधर ही है, उनका घर है उनके पीछे, और वो उधर ही मोस्टली विजिट करते हैं उसी रेस्टोरेंट में। तो उसी के पीछे है डब्लू, उनके काफ़ी व्लॉग में आपने देखा भी होगा, तो उसी डब्लू को चल के हम भी ढूंढते हैं। चलो टाइम है अभी 3:30, 15-20 मिनट लगते हैं वापसी आने में, अपने होटल आ चुके हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। देखेंगे अभी 1-2 घंटे बाद बाहर निकलेंगे, अभी इतनी धूप है कि टेम्परेचर इस टाइम पीक पर है, 2:30-3 बजे टेम्परेचर हाई हो जाता है, और टेम्परेचर है इस टाइम 36, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है थोड़ा शाम में। तो अब हम लोग जा रहे हैं बीच की तरफ दोबारा नाइट में। और ये डॉगी आया, हम इसको खाना खिला रहे हैं साथ में, एक वो सामने ब्लैक वाला। तो है अभी हम बीच पर हैं, मेरे जूते हाथ में, उनमें सॉक्स के अंदर है, और पैरों पे पानी लगना बेस्ट रिलैक्स है शाम का ना।